माध्यमिक शिक्षा विभाग आगरा के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी शर्मा की घूस लेते हुए गिरफ्तारी के मामले में शहर भर में आक्रोश दिख रहा है। प्रबुद्ध समाज की ओर से होटल पीएल पैलेस में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस घटना की निंदा करते हुए इसे एक साजिश तो बताया ही, साथ ही विजिलेंस की ओर से की गई कार्यवाही पर भी प्रबुद्ध जनों ने सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में प्रबुद्ध जनों का कहना है कि वह उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि इस मामले की गहनता से जांच कर पूरी साजिश का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। आगरा प्रबुद्ध मंच की ओर से आयोजित इस पत्रकार वार्ता में मुख्य वक्ताओं ने कहा, इनकी जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। किसी ईमानदार शिक्षा अधिकारी के ऊपर गैर जिम्मेदाराना तरीके से साजिश विजिलेंस द्वारा कार्यवाही निंदा के योग हैं, जो कि सह गैर कानूनी है। आगरा प्रबुद्ध मंच मांग करता है कि ईमानदार हावे के अधिकारी डॉक्टर आरपी शर्मा को कल सतर्कता अधिष्ठान की जिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है, उस टीम की जाँच सीबीआई द्वारा कराई जाए। इनके लीडर जिन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निहायत ईमानदार अधिकारी हैं, जिनके ऊपर किसी प्रकार का आज तक कोई आरोप नहीं लगा, और ऐसे व्यक्ति के साथ वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद दोषी हैं, जिनकी खुद की जांच चल रही है। उसी जांच के वो अधिकारी थे, वो जांच के अधिकारी हैं और उन्हीं को फंसा दिया गया। तो इस तरीके से अगर ये विजिलेंस डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। विजिलेंस डिपार्टमेंट का जो काम है, उसको तरीके से करना चाहिए। तो कहते हैं विजिलेंस की जांच होनी चाहिए और इसमें बाकायदे सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आज हम सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग, एक प्रबुद्ध मंच के माध्यम से विभिन्न विभिन्न संस्थाओं के लोग, शिक्षा अधिकारी ज्वाइंट एजुकेशन आगरा मंडल श्री आर पी शर्मा साहब, जो जिनका इतिहास रहा है बड़े ईमानदार अधिकारी के रूप में, अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो वो विजिलेंस के ट्रैप में फंसे और उनके लिए कार्रवाई, उनके अगेंस्ट में अपराधी जैसी कार्रवाई हो रही है। मेरा कहना यह है कि अभी तक विजिलेंस की जांच ऐसे होती थी कि जब रिश्वत लेते हुए गिनते हुए कोई पकड़ा जाता था, उसको वो लोग ले जाते थे। आखिर ऐसे क्या कारण था कि अगर उनकी रिश्वत नीचे गाड़ी को खुलवाया गया, रिश्वत किसी ने उन्होंने ली नहीं, ईमानदार अधिकारी हैं, दोपहर के समय भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आज तक मिठाई एक पीस भी या कोई भी चीज़ हम अपने घर लेकर नहीं जाते हैं, मुझे मिठाई देने की कोशिश ना करो। जो टीचर है, उस टीचर ने कहा कि हमारी जाँच में मदद करो। उन्होंने कहा जो साक्ष हमारे पास आ रहे हैं, हम जाँच समिति के अध्यक्ष हैं, उन्हीं के आधार पर मैं फॉरवर्ड करूँगा, जाइए। जो ईमानदारी से आज तक काम किया, वैसे ही हम करेंगे। जिस तरीके से डॉक्टर आरपी शर्मा जी को इस पूरे मैटर में ट्रैप किया गया है, उससे भी पूरा घटनाक्रम अपने आप में ही एक संदेह के, अगर आप पूरे उसको घटनाक्रम को देखें, खुद ब खुद अपने आप को एक संदेह के घेरे में लाके खड़ा कर देता है। अभी तक हमने सुना था हनी ट्रैप होता है, मनी ट्रैप होता है, लेकिन ये इस तरीके से एक ईमानदार अधिकारी को जबरदस्ती ट्रैप के एक नया, एक अगर हम इसको सब बोलें तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि एक निष्पक्ष अधिकारी के ऊपर इस तरीके की जब तक कार्रवाई होती रहेगी, तब तक पूरा ईमानदारी और अच्छे प्रशासन का माहौल कहीं नहीं बन सकता। इसकी पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच अच्छी एजेंसी से होनी चाहिए, और जो लोग भी इस घटनाक्रम में दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और एक सामाजिक और निष्पक्ष व्यक्ति को अपनी ईमानदारी का पूरी तरीके से ऑनर के साथ अपने पद पर, गर्मा में पद पर पुनः बैठाना चाहिए। आगरा प्रबुद्ध मंच का कहना है कि वह शीघ्र ही जिलाधिकारी, मंडलायुक्त तथा संबंधित विभाग के मंत्रियों को ज्ञापन देगा तथा कार्यवाही ना होने पर समग्र आगरा ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। आज आगरा प्रबुद्ध मंच की ओर से पत्रकार वार्ता रखी गई है। इस पत्रकार वार्ता में सबने एक ही मांग की है कि जो विजिलेंस ने एक ईमानदार शिक्षा अधिकारी के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया है, वो बिल्कुल ही साजिशन लगता है। तो पूरा प्रबुद्ध मंच और हम माध्यमिक शिक्षक संघ भी ये मांग करते हैं कि इस पूरे कार्य की, इस पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करता हूँ कि एक ईमानदार कुशल शिक्षा अधिकारी को जिस तरह से विजिलेंस ने फंसाया है, उससे स्पष्ट लगता है कि ये विजिलेंस की भ्रष्टाचार में लिप्तता है। इसकी जांच हो, इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अन्यथा की स्थिति में हम लोग पूरे आगरा ही नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। आज सुबह जब हमने न्यूज़ पढ़ी तो बड़ा आश्चर्य हुआ
और फिर डॉक्टर हरनारायण चतुर्वेदी जी से चर्चा के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। इसमें मुख्य विषय ये है कि अभी पिछले वर्ष ही 43 फर्जी नियुक्तियों की एक चर्चा हुई जिसकी जांच श्री आरपी शर्मा जी के निर्देशन में हो रही थी। इसकी आख्या भी सरकार को श्री आरपी शर्मा जी के उत्साहन से गई। इसमें भी जहाँ तक मेरा संज्ञान है आरपी शर्मा जी ने इन नियुक्तियों में अजय पाल सिंह जी को फर्जी ही लिखा है। प्रश्न ये है कि यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी के विरोध में सरकार तक को भेज चुका है वो अब घूस लेकर के कैसे कर सकता है, उसको राइट ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपनी साइन से भेज चुका है, अब वो बदल नहीं सकता। ऐसी समस्या देखते हुए भी मुझे पूर्णतः शक ही नहीं विश्वास है इसमें विजिलेंस और अजय पाल सिंह जी मिले हुए हैं। आगरा प्रबुद्ध वर्ग की ओर से संतोष शर्मा, हरि नारायण चतुर्वेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत वर्षीय गृह सभा, डॉक्टर भोज कुमार शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सुरेंद्र शर्मा, ब्राह्मण परिषद आगरा, प्रोफेसर वी डी शुक्ला, विभाग अध्यक्ष इतिहास आगरा विश्वविद्यालय, आलोक आर्य, अपराध निरोधक आर के शर्मा, पूर्व पुलिस अधिकारी गजेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी आदि उपस्थित रहे।